ये जो है ना, ये देखिए इस तरह का बन रहा है पेस्ट। तो इसमें साथ साथ हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करना है इस तरह से, ताकि ये थिक सा एक पेस्ट तैयार हो। और मैं अब आपको दिखाती हूँ धुआं बाहर फोग। का। ओ और वहां पर भी मुझे फॉग बहुत अच्छी लगती है। आई लव फॉग। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हला नमस्ते मरहबा बोशु। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आजकल अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर रही क्योंकि मैं अपना सारा टाइम स्पेंड कर रही हूँ अपनी बेटी आयशा के साथ। उसकी स्कूल से छुट्टियाँ हुई हुई हैं जो कि एक्सटेंड भी हो गई हैं 10 डेज़, और वो बहुत खुश है। तो मैं सारा टाइम अपनी बेटी के साथ स्पेंड करती हूँ, ये उसका टाइम है। और मैं इस दौरान कोई और एक्टिविटीज़ नहीं कर रही, जैसे कि वीडियोज़ बनाना और अपलोड करना। आज मैंने उसकी फरमाइश पर कुछ बनाया है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी हमारी फिंगर फिश तैयार हो गई है। फिंगर फिश हमने यहाँ पर रखी हुई है, ये कटी हुई बहुत ही खूबसूरती से कटी हुई है, और कुछ में इस तरह हड्डी भी है। ये मैंने पहली बार देखी है हड्डी, वरना सिर्फ जो है ना इस तरह का होता है गोश्त सा ही होता है। तो ये फिंगर फिश हमने कटवा के रखी है। नॉर्मल जो फिश होती है ना बाजार में, जिंदा मछली जैसे हम साफ करा कर लेते हैं, इस तरह से नहीं होती। ये कोई इम्पोर्टेड फिश होती है, और मतलब एक बॉक्स में पैकिंग में आती है, तकरीबन 25 kg का होता है, तो उसमें से ये लोग बेचते हैं। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि ये वाली जो है ना फिश, इसका क्या नाम है, ये कौन सी फिश से ये वाला जो है ना गोश्त निकालते हैं जो बिल्कुल कांटे के बगैर होता है, हड्डी के बगैर होता है। ये हमने मैदा ले लिया है, और तकरीबन 1 कप मैदा है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून बड़ा सा ऊपर तक भर के हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें सॉल्ट ले लिया है, और 3 टेबल स्पून के हमने ये ले लिया है मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पेस्ट भी आप ले सकते हैं। और ये रेड चिलीज हमने ले ली हैं, 1.25 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून भर के और एक थोड़ा सा ऊपर हमने करके डाला है। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें धनिया पाउडर ले लिया है। ये 2 एग्स हैं जो इसके अंदर जाएंगे, और ये लेमन जूस हमने स्क्वीज करके रखा हुआ है, ये इसके अंदर मिक्स करके हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये मैं नहीं जाने दे रही इसमें, और ये इसमें चलेगी एग्स। ये अब हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ये जो है ना, ये देखिए इस तरह का बन रहा है पेस्ट। तो इसमें साथ साथ हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करना है इस तरह से, ताकि ये थिक सा एक पेस्ट तैयार हो। इस तरह से हम इसमें पानी मिलाकर इसका पेस्ट बनाएंगे। ये हल्का सा इसके अंदर मैंने कलर शामिल किया है। ये देखें, एक स्मूथ सा हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम फिंगर फिश जो कटी हुई है, फिश फिले, वो ऐड करेंगे। अभी हम फिश को सॉस के अंदर ऐड करेंगे। वाह आयशा, वेरी गुड मिक्सचर। आयशा की बहुत फेवरेट है ये फिश। आयशा को फिंगर फिश बहुत पसंद है। आयशा क्या बना रही हो? फिंगर फिश। फिंगर फिश पसंद है। और प्रॉन्स। प्रॉन्स हमने बनाए थे ना 1-2 दिन पहले, प्रॉन्स बनाए थे, और वो इतनी जल्दी जल्दी हमने बनाए कि जैसे ही प्रॉन्स आए ना, तो साथ ही हमने क्या किया कि उसी वक्त उनको धोकर उसी वक्त मैंने मैरिनेट किए और थोड़ी सी देर बाद बना लिए थे, है ना आयशा? कैसे बने थे? एक नंबर। एक नंबर। हो गई मैरिनेट? नहीं अभी थोड़ा सा और। हाँ इनको घुमाओ फिर अच्छा सा, इनको मैरिनेट करो। शाबाश, वाह बहुत अच्छा लगाया है, हर पीस पे लगा दिया आपने तो। चलो नहीं, इसमें रहता, इसमें रहता, इसमें रहता, इसमें रहता, इसमें रहता है। चलो चलो लगाओ फटाफट करो। आजकल इतनी फॉग आ रही है बस। फॉग बहुत ज्यादा हो रही है। अभी हमने दरवाजा खोलकर देखा था तो तो धुआं ही धुआं वाली।
अब मैं अब आपको दिखाती हूँ धुआं फॉग। लाइट ऑन करो बाहर की भी। yes, बाहर की भी ऑन करो। बहुत अच्छी लगती है। आई लव फॉग। बहुत ज्यादा फॉग है आयशा। अभी नहीं, अभी आप अंदर आओ, अभी आप अंदर आओ। नहीं अभी आप अंदर आओ, अभी आपने कोट नहीं पहना, कैप नहीं पहनी, बस हम लोग फॉग देखने के लिए आए थे। नहीं अभी नहीं, पहले फिंगर फिश खा लो। ओके फिंगर फिश खा लो और उसके बाद फिर। वैसे भी तो वो मेरी फेवरेट है। क्या फिंगर फिश? बहुत ज्यादा। ये तकरीबन हमने एक घंटे के लिए रख दिया था मैरिनेट करके, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से एक एक फिले उठाना है, इसको मज़ीद इस तरह से कवर करना है इस तरह से, और ये आँच हल्की रखनी है ताकि अंदर तक पके। ये हम डाल देंगे फिले इसके। आप देख लीजिएगा एक के ऊपर एक नहीं डालने, जितना खुला खुला आपके बर्तन में ये तल सके इस तरह से डालने हैं आपने, ऐसे। और ये इस साइड पे डाल देती हूँ। वाव, जस्ट लुकिंग लाइक वाव। ये साथ में हम नान बना रहे हैं आयशा के लिए। एंड में पहुंचकर हमने आंच थोड़ी सी तेज कर दी है, ये देखें, ताकि अपना तमाम ऑयल जो है ना रिलीज कर दे फिश। हल्की आंच पे जब पक रहा होता है तो काफ़ी सारा ऑयल जो है एक्युमुलेट कर लेता है जो भी हम तल रहे होते हैं ना चीज़। एंड में हमने थोड़ी सी तेज़ की है और अब हम इसको निकालेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो फिंगर फिश और फॉग की। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, और ये फिंगर फिश जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुपर इजी पीजी, शानदार जानदार किस्म की है, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी और जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है, बस मैरिनेशन का टाइम इसमें लगता है। हम खाएंगे फिंगर फिश और इन्जॉय करेंगे मज़ेदार सी, अच्छी सी, ज़बरदस्त सी, धुआँदार सी सर्दियाँ, धुआँदार सी, जानदार सी, शानदार सी रेसिपी के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ और अच्छी सी किसी प्यारी सी बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, चाओ।